मजबूत होंगे और बढ़कर आएंगे, न केवल हम, हमारे साथी दल भी बढ़ेंगे। वेस्ट बंगाल की बात मैं थोड़ा सा करना चाहता हूँ। वहां संदेश काली के बाद आपकी स्थिति, पिछली बार 18 सीटें आई थी और लोग मान नहीं रहे थे कि आपने मुझसे इंटरव्यू में कहा था कि बहुत अच्छी स्थिति है, हम लोग सोच रहे थे कि 18 सीट नहीं, पर आप 18 सीट लेके आए। इस बार आपको क्या लगता है इससे बढ़ेगी और इसका क्या कारण है? मैं बॉटम का आंकड़ा भी कह देता हूं जी, क्योंकि चुनाव काफी बाकी है, वहां 7 चरण में चुनाव होना है। बॉटम का आंकड़ा हमारा 25 है, 25 से ज्यादा सीट हम निश्चित रूप से बंगाल में जीतेंगे। इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 25 सीटें बड़ा वो है, 25 से ज्यादा, 25 से ज्यादा। तो ये कैसे होगा, ये आपका जो साउथ ईस्ट बंगाल में जो है आप काफी वीक हैं, पिछली बार आपको शायद सिर्फ 2 ही सीट मिली थी वहां 18 सीटों पे। वो एरिया जो है वो आपके लिए बहुत अहम है, कोलकाता, हुगली, 24 परगना, हावड़ा, तो वहां पे कैसे करेंगे ये? वहां पे आपका संगठन भी उतना शायद स्ट्रांग नहीं है। देखिए, 2017 से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार पश्चिम बंगाल में संगठन का भी विस्तार किया है और चुनावी सफलता के आंकड़ों में भी विस्तार किया है। 2017 से लगातार हम बढ़ते ही जा रहे हैं। विगत विधानसभा चुनाव की मैं बात करूं, हम 2 लोग थे, 77 हो गए, बहुत बड़ी जंप है। कांग्रेस 0, कम्युनिस्ट पार्टी 0, आज प्राइम ऑपोजिशन भारतीय जनता पार्टी वहां बनी हुई है। हमारी 2 लोकसभा की सीटें थी, 14 में 19 में 18 हुई, और इस बार हम 25 से काफी आगे निकलेंगे, ये मेरा विश्वास है। बंगाल की जनता, 1 करोड़ों रुपया जो पकड़ा गया है, इसमें ईडी पर सवाल नहीं उठाती है, ममता जी पर सवाल उठाती कि रुपया कहां से आता है, रुपया किसका है, ये रुपया बंगाल की गरीब जनता का रुपया है भैया। वहां पर मोदी जी की योजनाएं नीचे नहीं पहुंच रही है, डर है उनको कि इस योजना से मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे। क्या दोष है बंगाल के गरीब लोगों का, क्यों 5 लाख तक का उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल रही, क्यों अनाज उनका कालाबाजारी में बेचा जा रहा है, क्यों जल से नल से जल की योजना वहां ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हो रही, क्यों अब तक सीए से इनको महरूम रखा गया, केवल और केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण और भ्रष्टाचार के कारण। भ्रष्टाचार उनका उजागर हो चुका है, बंगाल की जनता के सामने ममता जी एक्सपोज हो चुकी है। एक महिला मुख्यमंत्री के शासन में जिस तरह से संदेश खाली में सालों तक बहनों माताओं पर अत्याचार होते रहे और उनके पार्टी के नेताओं के द्वारा होते रहे, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट को दखल पकड़ने पड़ते तब जाकर अरेस्ट करते हैं, शर्म मैं जिन्होंने वोट दिए वो बंगाली माताओं बहनों की बात कर रहा हूं, उन पर आपके पार्टी के नेता अत्याचार करे, आप उनको अरेस्ट नहीं कर रहे हो और हाईकोर्ट ने ऑर्डर करने पड़ते हैं जी। बंगाल की जनता ये सब जानती है, मेरा तो बंगाल की माताओं बहनों से करबद्ध निवेदन है कि इस बार शक्ति का परिचय राहुल के साथ साथ ममता जी को भी करा दे। इस बार मोदी जी कश्मीर काफी दिनों बाद गए, आर्टिकल 370 अपील होने के बाद उनकी बहुत बड़ी सभा हुई वहां पे, क्या आप लोगों को उम्मीद है कि वहां चुनाव में आप लोग अच्छा करेंगे, कश्मीर वैली में कोई अकाउंट खुलेगा? देखिए, कश्मीर वैली में भारतीय जनता पार्टी का अकाउंट खुलना न खुलना ये बड़ी बात नहीं है, परंतु 3 परिवारवादी पार्टियों ने, कांग्रेस पार्टी, NC नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP, ये 3 परिवारवादी पार्टियों ने वहां पर लोकतंत्र को पनपने नहीं दिया। आजादी से अब तक वहां पंचायत चुनाव नहीं हुए, पहली बार हमने 30,000 पंच सरपंच को चुनाव कराया, तहसील पंचायत बनी, जिला पंचायत बनी जी। पहले वो 3 पार्टी जिसका चिट फाड़ते थे वही नेता होते थे। मैं घाटी के मुसलमान भाइयों बहनों को कहने आया हूं कि आप कृपया अगर चाहते हैं कि जमहूरियत पाताल से नीचे तक चली जाए, लोकतंत्र पाताल से नीचे चली जाए, इसके मूल पाताल से नीचे जाना है, तो ये 3 परिवारवादी पार्टियों को साफ कर दो, जिसको वोट देना है ना इसको दो, परंतु कश्मीर में तभी जाकर लोकतंत्र आ रहा है। ये 370 का हवा बनाए थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी ने 370 को समाप्त कर दिया। आज हर कश्मीरी को
5 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी मिलता है, पानी मिल गया, चावल मिल रहा है, सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल गई है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन आए हैं, 2 करोड़ से ज्यादा यात्री अब आज कश्मीर में जा रहे हैं, कश्मीर में 30 साल के बाद थिएटर खुले हैं, कश्मीर में 30 साल के बाद ताजिया का जुलूस निकल रहा है, मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है, ये लोकतंत्र की बहाली के कारण हुआ है जी। एक बार कश्मीर की जनता ने हिम्मत करना चाहिए, जिन लोगों ने 75 साल तक कश्मीर की जनता को लोकतंत्र से महरूम रखा, संविधानिक अधिकारों से महरूम रखा और अपने केंद्र सरकार की स्कीमों से महरूम रखा, उनको दंड दीजिए, लोकतंत्र को मजबूत कर दिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, जिसको देना है इसको दीजिए, परंतु घाटी में एक बार ये 3 परिवारवादी पार्टियों को सबक सिखाना चाहिए। कश्मीर में चुनाव कब होंगे, ये मैंने आपसे सवाल बहुत बार पहले भी पूछा है, इस बार बोला गया कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की कुछ कमी है क्योंकि नेशनल इलेक्शंस हो रहे हैं तो नहीं हो पाए, तो इसका मतलब जल्दी होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर ही किया है सितंबर तक कराने जी, तो उसके तो आउटर लिमिट है, सितंबर के पहले हो जाएंगे। एक सवाल जो कि बार बार होता है, आप लोगों का नारा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, वो आप लोगों ने बनवाया, प्राण प्रतिष्ठा हुई, एक और नारा है जो है अभी तो ये झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो क्या ये अगले उसमें 5 साल में देखने को मिलेगा? देखिए, ये सारे मसले कोर्ट में लंबित है, इस पर मेरा अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है, परंतु मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, राम मंदिर में हमारा पालमपुर कार्यकारिणी का भारतीय जनता पार्टी का वादा था कि हम संवैधानिक रूप से प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनाएंगे, 500 साल से करोड़ों राम भक्त जिसकी राह देख रहे थे, वो काम मोदी जी ने 5 साल में भी कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर प्रभु श्री राम को अपने भव्य मंदिर में विराजित करने का काम भी नरेंद्र मोदी ने कर दिया। और मैं मानता हूं कि जो दृश्य है वो क्षण है, 10,000 साल का क्षण है, मेरी बात याद रखना, 10,000 साल तक न केवल भारत, दुनिया इस क्षण को भुला नहीं पाएगी, और ये बहुत बड़ा लोकतंत्र का उदाहरण है, क्योंकि भारत में हिंदू मेजोरिटी में होने के बावजूद भी 75 साल तक हमने राह देखी कि हमें कोर्ट ऑर्डर करे, उसके बाद ही हम मंदिर बनाएंगे और पूर्ण तरह संवैधानिक रूप से कोर्ट के ऑर्डर से मंदिर बनाया। दुनिया में ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं जो भारत ने दिया है, और उसका मोदी जी के समय में होना, भाजपा के समय में होना, हम सबका सौभाग्य हम मानते हैं जी। बस कुछ सवाल, 2-3 सवाल और आपको मैं उत्तर प्रदेश के बारे में सवाल पूछे बिना नहीं जाने दे सकता, क्या इस बार उत्तर प्रदेश में आपकी परफॉर्मेंस 2014 से भी ज़्यादा अच्छी होगी? निश्चित रूप से, 73 सीटें थी, निश्चित रूप से हम उत्तर प्रदेश में हमारा अब तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, 2014 से भी ज़्यादा सीटें। इसका मतलब रायबरेली में आप जीत सकते हैं, कन्नौज, मैनपुरी, आजमगढ़, इन सब में? सीटों के नाम पे न पड़िए, पूरी उत्तर प्रदेश की जनता परिवारवाद से त्रस्त है, इस बार परिवारवादी पार्टियों को जनता सबक सिखाएगी, ऐसा मुझे भरोसा है। आपसे हर बार जब इंटरव्यू करते हैं तमाम सवाल पूछते हैं, देश भर की बातें होती हैं, गृह मंत्रालय